आज टाइम हो चुका है 11:24, तो मैं सुबह से इंतज़ार कर रहा था कि ट्रेड लूँगा लेकिन नहीं ले पाया। तो अब मैं ट्रेड यहाँ से ले चुका हूँ यहाँ पे, और मेरा स्टॉप लॉस यहाँ से रहेगा, ज़्यादा नहीं 50 पॉइंट का स्टॉप लॉस रहेगा मेरा, यहाँ तक स्टॉप लॉस रहेगा। और मेरा टारगेट रहेगा, मैं गाइस यहाँ पे मेरा स्टॉप लॉस रहेगा और टारगेट मेरा यहाँ से 50 पॉइंट का रहेगा। टारगेट मेरा यहाँ से गाइस 100 पॉइंट का टारगेट रहेगा, यहाँ से यहाँ तक मेरा टारगेट रहेगा। अभी अगर यहाँ से ना मार्केट, अगर कोई कंफर्मेशन मिलता है मार्केट यहाँ से नीचे जाएगा तो मैं उसको कंटिन्यू करूँगा, और नहीं तो मैं 50-100 पॉइंट लेके ही मैं निकल जाऊँगा। तो चलो मैं देखता हूँ अभी होता क्या है मार्केट में। मेरा एंट्री पॉइंट यहाँ पे है, तो मेरा टारगेट पॉइंट यहाँ पे है। तो मैंने कहा चलो इंतज़ार करता हूँ कितना पॉइंट का हो गया टारगेट मेरा। मेरा टारगेट हो गया पूरा 100 पॉइंट का है, पूरा 100 पॉइंट का टारगेट है, और मेरा स्टॉप लॉस 50 पॉइंट का मेरा यहाँ तक स्टॉप लॉस रहेगा। तो चलो देखते हैं मार्केट में होता क्या है, तो आगे भी आपको मैं अपडेट करता रहूँगा वो क्या रहा अभी मार्केट में चल क्या रहा है। तो भाई देख सकते हैं मेरा टारगेट बहुत ही ज़्यादा नज़दीक आ चुका है, बहुत ही ज़्यादा नज़दीक। तो मैं अभी एग्ज़िट यहीं पे करूँगा, मेरा टारगेट जब हिट होगा तभी मैं एग्ज़िट करूँगा, इससे पहले मैं एग्ज़िट नहीं करने वाला हूँ। अगर मुझे लगता है थोड़ा सा भी कंफर्मेशन मिलता है कि मार्केट मेरा टारगेट से और नीचे जाने वाला है तो मैं स्टॉप लॉस को ट्रायल करूँगा। मेरा जो स्टॉप लॉस उसको मैं ट्रायल करूँगा, मेरा जो स्टॉप लॉस है 550 पॉइंट का उसको मैं ट्रायल कर दूँगा, और मैं रेट पे आ जाऊँगा। मैं जितना मैं ख़रीदा हूँ उतना मैं आ जाऊँगा। तो मैं वेट करता हूँ, देखता हूँ कैंडल कौन सी कैंडल बनाता है, कन्फर्मेशन कैंडल कोई मिलता है या नहीं मिलता है। अगर कन्फर्मेशन कोई भी कैंडल मिलता है तो मैं इसको होल्ड करूँगा आगे के लिए, मैं देखता हूँ मेरा कितना तक पहुँचता है ये। तो देख सकते हैं मेरा 1, 2, 3 में यहीं पर एंट्री का था, 3 कैंडल में मेरा टारगेट हिट होने वाला है। देख सकते हैं मेरा टारगेट यहीं पर गाइज हिट हो चुका है।